शकुन का फटका, 440 का झटका। ने सलमान भाई की फिल्म को लेकर लिया है कौन सा बड़ा फैसला? हेलो नमस्कार, मैं अनविता स्वागत करती हूँ आपका पॉलीक्रिट स्टूडियोज की फिल्मी दुनिया में, जहाँ आज आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साजिद नाडियाडवाला और सलमान खान की जोड़ी बॉलीवुड में काफी मशहूर है और अब अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म किक के 7 साल बाद साजिद और सलमान अपनी अगली फिल्म कभी ईद कभी दिवाली के साथ फिर आ रहे हैं। इस फिल्म का निर्देशन फरहाद समजी कर रहे हैं। फिल्म में सलमान खान के अलावा पूजा हेगड़े, आयुष शर्मा और जहीर इकबाल भी नजर आएंगे। आपको बता दें कि हाल ही में इस फिल्म को लेकर चर्चाएं बढ़ गई हैं, क्योंकि साजिद और फरहाद दोनों ही फिल्म के शीर्षक को बदलने का विचार बना रहे हैं। दोनों ही फिल्म का नाम कभी ईद कभी दिवाली से बदलकर कुछ और रखना चाहते हैं। यहाँ तक कि काफी टाइटल्स पर विचार चल भी रहा है और बहुत जल्द फिल्म के लिए एक नया टाइटल चुन लिया जाएगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर ये शीर्षक बदला क्यों जा रहा है, तो आपको बता दें कि इसके पीछे कारण ये है कि फिल्म मेकर्स फिल्म के रिलीज के आसपास किसी भी तरह के विवाद से बचना चाहते हैं। सलमान हो या साजिद या फिर फरहाद, ये सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन फिल्म को देखकर किसी को ये ना लगे कि हमारे त्योहारों का मजाक उड़ाया जा रहा है, इसलिए फिल्म के नाम को बदलने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जैसा कि आपको पता है कि फिल्म ऐसे परिवार की कहानी कहती है जो ईद और दिवाली जैसे सभी त्योहारों को मनाता है, तो जहां एक तरफ फिल्म सांप्रदायिक एकता, भाईचारे और सौहार्द का संदेश लेकर आएगी, वहीं दूसरी तरफ फिल्म मेकर्स किसी की आस्था या विश्वास को चोट नहीं पहुंचाना चाहते, इसलिए फिल्म मेकर्स अब इसके नए टाइटल हंट में लगे हुए हैं। फिलहाल आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जल्दी से बताइए कि क्या आप चाहते हैं इस फिल्म का शीर्षक बदला जाए, अगर हाँ तो क्या रखा जाए। साथ ही हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी फेवरेट अपकमिंग मूवीज के बारे में आपको अपडेट देते रहें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा प्यार बरसाते हुए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बॉलीवुड, हॉलीवुड और टॉलीवुड की ऐसे ही मजेदार जानकारी के लिए देखते रहिए बॉलीग्रेट स्टूडियोज। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।